हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्सटैप यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं हमारी इंटेंसिव रिवीजन ऑफ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं सिविल्सटैप आपके लिए एक ये इंटेंसिव रिवीजन की सीरीज लेके आया है, जिसमें हम स्टैटिक कंपोनेंट्स को उठाकर उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मॉर्निंग के सेशन में रिविजन करते हैं। जो हमारा स्थापना का सेशन है, हम मॉर्निंग में 8 o'clock इस लेक्चर में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन करेंगे और उसी दिन शाम को 8 बजे हम आपके साथ MCQs को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स विच वी रिवाइज इन द मॉर्निंग। तो ये जो हमारा स्थापना का इनिशिएटिव है इन द मॉर्निंग एंड प्रयास, जो हम शाम को करने वाले हैं MCQs को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं, ये हम इसलिए लेकर आए ताकि आपकी अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन जो हो रही है स्टैटिक कंपोनेंट्स की वो भी बेटर होती जाए और साथ साथ जो MCQ सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, MCQ को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहे। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द डे 3 ऑफ स्थापना, जिसमें हम एनवायरमेंट के दो टॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड साइट्स इन इंडिया, इन टॉपिक्स की ब्रीफ रिवीजन करने जा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि 9th मार्च से हम एनवायरमेंट के कंपोनेंट को स्टार्ट कर चुके हैं, इससे पहले 2nd मार्च से हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का कंपोनेंट और उसके भी हमने 6 सेशंस किए थे, यानी 6 डेज में 2-2 सेशन 12 टोटल सेशंस हुए थे, 6 स्थापना के और 6 प्रयास के MCQ सेशन सॉल्व किए थे हमने। अब हम 9th मार्च से एनवायरमेंट का कंपोनेंट स्टार्ट कर चुके हैं, इकोलॉजी की हम लोग बात कर चुके हैं, 10th मार्च को हमने बात की थी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, उन टॉपिक्स की रिविजन भी की और MCQs भी सॉल्व किए, और आज के दिन हम 11th मार्च को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड साइट्स इन इंडिया, इन टॉपिक्स की रिवीजन करने जा रहे हैं और शाम को इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एब्रिविएशन हो गया। क्या मतलब हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक कन्वेंशन बनी हुई है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच गिव्स अ डेफिनेशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या कह रही है डेफिनेशन? वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स From all sources, terrestrial, marine, aquatic and other ecological complexes of which they are a part. तो जो different type की varieties हैं in the living organisms, in the different types of ecosystems और जिस तरीके के different biosphere में अलग अलग ecosystems बने हुए हैं, उनके आपस में interactions जो अलग अलग type की हैं, इन सबको मिला के हम बोल रहे हैं biological diversity. So जितनी भी diversity है biosphere में उसका sum total है हमारी biological diversity. So this includes diversity within the species, between स्पीशीज एंड ऑल्सो ऑफ इकोसिस्टम्स। मतलब सिर्फ एनिमल की स्पीशीज की डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही, अलग अलग एनिमल की स्पीशीज हैं वो भी एक डाइवर्सिटी है, एक सिंगल स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, उनका भी जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग होता है, ये भी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। एंड अगेन इकोसिस्टम्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टुंड्रा में अलग टाइप का इकोसिस्टम आपको दिखाई देगा, मरीन इकोसिस्टम्स अलग होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स अलग होंगे, तो ये जो इकोसिस्टम्स के बीच में वेरिएबिलिटी है दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो द डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द जीन्स दे कंटेन ऑल दीज टुगेदर फॉर्म आर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी टर्म हो गई, सारी तरह की जो डाइवर्सिटी है, वेरिएबिलिटी है लिविंग सिस्टम्स, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बायोडाइवर्सिटी? तो कुछ जनरल लॉज हैं, जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जनरल रूल है, ट्रॉपिक्स में आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द पोलर एरियाज। सिमिलरली ट्रॉपिक्स में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं वहां पे आपको बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम्स, एंड इन द लोअर ऑल्टीट्यूड्स बायोडाइवर्सिटी इज हायर एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स। हायर ऑल्टीट्यूड्स में जैसे हाइट इंक्रीज होगी आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो भी कम होने लगेगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा, ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, देयरफॉर इन द हायर ऑल्टीट्यूड रीजन एंड हायर लैटिट्यूड रीजन जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड एंड लोअर लैटिट्यूड रीजन। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ये टर्म हम यूज करेंगे, लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द लैटिट्यूड्स किस तरीके से डाइवर्सिटी चेंज हो रही है इसको हम बोल रहे हैं लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, और ये जो ग्रेडियंट है कम होता जाएगा एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब हम अगर बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फेयर में हम कह सकते हैं स्पीशीज डेंसिटी इज द ग्रेटेस्ट, साउथ के हेमिस्फेयर में आपको ज्यादा स्पीशीज डेंसिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड में बाय इंटरनेशनल एनजीओज। जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को अपने कंट्री के अपने टेरिटरी में जगह देती हैं, जैसे इंडिया है, मेक्सिको है, चाइना है, इन कंट्रीज के जो भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वहां पे आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज वो इन्हीं 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में देखने को मिलेंगी आपको। और आप देख भी सकते हैं इन दिस मैप, मैंने आपको सारी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज यहां पे इस मैप में शो कर रखी हैं, जो एरियाज इन मेगा डाइवर्स कंट्रीज में नहीं आ रहे वो हायर लैटिट्यूड वाले एरियाज हैं
डेजर्ट एरियाज हैं जहां पे ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है. सो इन द ट्रॉपिकल एरियाज बायोडाइवर्सिटी इज मोर एंड हायर लैटिट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी कम है. तो जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में लोकेटेड हैं वहां पे आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये हमें इस मैप के थ्रू भी देखने को पता चल रहा है. अब हम बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या है ये समझने के बाद क्या फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी का, तो बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर इकोसिस्टम्स एंड दीज रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दी रिच बायोडाइवर्सिटी. अगर बायोडाइवर्सिटी रिच होगी तो ज्यादा अच्छी इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो पाएंगी, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइक्लिंग, पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन, कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम्स बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट एंड रिकवरी फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स. सो वट एवर द रेजिलियंस ऑफ एन इकोसिस्टम इज, जो भी सपोर्टिंग रेगुलेटिंग प्रोविजनिंग या कल्चरल सर्विसेज आपको इकोसिस्टम से प्रोवाइड हो रही हैं मिल रही हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से हो रही हैं. तो अगर बायोडाइवर्सिटी पे कल को कोई भी नुकसान होता है, लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड उनकी क्वालिटी में भी कुछ कमी होगी. फूड एंड शेल्टर, मेडिसिनल रिसोर्सेज, ये सारी सर्विसेज जो हमको मिलने वाली है हमारे इकोसिस्टम्स में, सब में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है. बायोडाइवर्सिटी का एक फंडा हमने एक और डिस्कस किया हुआ है, जितनी डाइवर्सिटी हाई होती है किसी भी इकोसिस्टम में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है वो इकोसिस्टम, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेजिलियंट भी होता है वो इकोसिस्टम. जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगी, ट्रॉफिक लेवल्स जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, उतना ही मुश्किल होगा उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिस्टर्ब करना फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेज, ठीक है. तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. सोशल सर्विसेज जो हमें मिलती हैं, कल्चरल वैल्यूज, कल्चर, हमारी एस्थेटिक एनरिचमेंट जो होती है, अम्यूजमेंट होता है, रिक्रिएशन होता है, ये सारी चीजें भी हमें बायोडाइवर्सिटी के थ्रू बेनिफिट जो है वो हमें मिलने वाला है. लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का तो ये क्यों हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली हमने देख लिया कि जो वैरायटी है, जो रिचनेस है स्पीशीज के बीच में, इंटर स्पीशीज हो चाहे इंट्रा स्पीशीज हो, तो ये जो रिचनेस हो गई है इसको बायोडाइवर्सिटी बोल दिया. बट नाउ दिस बायोडाइवर्सिटी इज एट अ थ्रेट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ अर्थ सिंस अर्थ ओरिजिन. जब से अर्थ बनी है, एवोल्यूशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन लाइफ का होते आया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. बट बीच में देर वर फाइव एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, पांच ऐसे एपिसोड्स आए थे जब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम वो एक्सटिंक्ट हो गई थी किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से. रिसेंटली हम सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन को विटनेस कर रहे हैं. ये सिक्स्थ एपिसोड आ रहा है जब बहुत ज्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड इवन स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. और ये क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस. इट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स. जो फाइव प्रीवियस एपिसोड्स हो चुके हैं उसमें जिस रेट से मास एक्सटिंक्शन हुई उससे ज्यादा तेजी से मास एक्सटिंक्शन सिक्स्थ वन हो रही है, क्योंकि ये एक्सटिंक्शन ह्यूमंस की वजह से हो रही है ऐसा स्टडी में पाया गया है. क्यों? ह्यूमंस ने ऐसा क्या काम कर दिया? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, lowered resistance to environmental perturbations such as droughts and increased variability in certain ecosystem processes. All these changes that have been brought about into the natural ecosystems because of human activities, ye reason hai ki ye sixth mass extinction aur tezi se ho raha hai. Humans ne natural ecosystems mein bahut zyada unbalance create kar diya hai. Artificial ecosystems dheere dheere replace karte ja rahe hain natural ecosystems ko. Forests ko cut karke, hum natural grasslands ko cut karke wahan pe artificial ecosystem yani farmlands ko grow kar rahe hain. So this is causing a stress in नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में भी लॉस हो रहा है. क्या मेन कॉजेज है, क्या प्राइमरी ड्राइवर्स हैं बायोडाइवर्सिटी को लॉस के? हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि थिनिंग, फ्रेगमेंटिंग और आउटराइट डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, प्लांट, सॉयल, हाइड्रोलॉजिक एंड न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, ह्यूमंस रिसोर्सेज को जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ पे जितना वाटर है हम उसको यूज करें, चाहे जितने मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, हमारे फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये जो सारे नेचुरल या नॉन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जिस रेट से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, दैट इज अ cause for primary, that is a primary driver for biodiversity loss. Invasive species, ये भी biodiversity को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. Invasive species मतलब कोई एक species जो किसी एक particular natural region में originate हुई हो, वो endemic हो to a certain region. Endemic का क्या मतलब हुआ? Endemic is a species that is naturally found. In a region, ठीक है, अगर मैं कहूं कि
इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ अगर जो एशियन एलिफेंट है इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, तो ये बात गलत नहीं होगी बिकॉज एशियन एलिफेंट इज एंडेमिक टू इंडिया. बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंडिया के एंडेमिक नहीं होंगे. जैसे अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि द अफ्रीकन लॉयन इज एंडेमिक टू इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. एंडेमिज्म का मतलब क्या है कि कोई एक स्पीशीज ऑफ प्लांट या एनिमल जो किसी एक नेचुरल रीजन में नेचुरली फाउंड करता है तो वो एंडेमिक होता है उस रीजन का. जब ऐसी किसी स्पीशीज को हम उसके ओरिजिनल होम से उठाकर किसी दूसरे रीजन में जो उसके उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हम वहां पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उस वो एलियन स्पीशीज बन जाती है. एंडेमिक स्पीशीज बनेगी अपने नेचुरल होम में एंड एलियन स्पीशीज बन जाएगी जब वो किसी दूसरे फॉरेन लोकेशन में आ गई. एंड एलियन जगहों पे एलियन स्पीशीज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनवेसिव स्पीशीज बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जिस नई लोकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है उस स्पीशीज को नई लोकेशन में आने के बाद वो ज्यादा फेवरेबली उस नए इकोसिस्टम में थ्राइव करेगा. जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं इकोसिस्टम की उनको भी डैमेज कर सकता है क्योंकि इकोसिस्टम का जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब कर सकता है ये नया स्पीशीज. सो इन्वेसिव स्पीशीज कैन ऑल्सो लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर रिसोर्सेज इज अ मेजर कॉज. हम अपने फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को बहुत इंटेंसिव कर रहे हैं जिससे सॉयल की बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान होता है. हम अपने वाटर के रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू लॉस इन बायोडाइवर्सिटी. पॉल्यूशन कर रहे हैं जो ह्यूमंस एटमॉस्फेयर में, वाटर में, सॉयल में, ओशंस में, जो हम पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान होने वाला है. एंड देन अल्टीमेटली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, जो कार्बन का एक्स्ट्रा एमिशंस हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कॉज अ मैसिव लॉस टू बायोडाइवर्सिटी. तो ये जो सारे प्राइमर्स हैं, प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, वो सब मिलकर हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस करने वाले हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज डेवलप हो चुकी हैं उनको हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं इन सब हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण. अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उसे कंजर्व कैसे करना है ये भी हम लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया है, एंड बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज. सो हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो उसको हम अगर रिवाइज करें, दो मेथड्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, इसके हमने क्रैश कोर्स में डिटेल में बात की थी, यहां हम इसको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. जैसे इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है, ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रही है, उसी जगह पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है, उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करना है, वहीं पे डेवलप करना है. सो इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स अगर हम इंडिया में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड नेचर रिजर्व्स, ये हमारे कुछ इन सीटू प्रोटेक्टेड नेटवर्क साइट्स हैं जो इंडिया में हमने एस्टैब्लिश किए हैं टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, ये हमारे इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का पार्ट बनने वाले हैं और इन्हीं सारे एरियाज की हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो इनमें रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक गवर्नमेंट के अंडर आने वाले फॉरेस्ट्स हैं. क्या एक फर्क है इनके बीच में, राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग ग्रेजिंग इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आर बैंड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर्स आर इशूड. जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे किसी भी तरीके की हंटिंग ग्रेजिंग जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज डिसअलाउड होती हैं, बैंड होती हैं, अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर्स इशू किए गए हों उसके लिए. प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होगा, राइट्स जो है एक्टिविटीज के लिए दे आर समटाइम्स गिवन टू कम्युनिटीज लिविंग इन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट. जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्रेडिशनली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहे हैं, फॉरेस्ट में ही रहते आए हैं, उनको परमिशन मिल सकती है कुछ अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए इन द प्रोटेक्टेड एरियाज बट नॉट इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट. सो टिपिकली रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर ऑफन अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच इन टर्न में बी अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क्स. तो जो अलग अलग डिग्री की प्रोटेक्शन के हिसाब से हमने एरियाज को डिफाइन किया हुआ है, नेशनल पार्क्स हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रोटेक्शन के हिसाब से हमने एरियाज को भी डिफाइन कर रखा है. तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस हो गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है एज कंपेयर टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल पार्क. अब नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बिकॉज इंडिया में टोटल 104 के अराउंड नेशनल पार्क्स हैं और आपको इन सभी नेशनल पार्क्स के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि इंडिया में जो भी नेशनल पार्क्स हैं किस स्टेट में एटलीस्ट लोकेटेड हैं वो आपको पता रखना चाहिए. मैंने आपको क्रैश कोर्स में नोट्स में डिटेल्ड सारे नेशनल पार्क्स की लिस्ट दी हुई है, उनके स्टेट्स की लिस्ट दी हुई है. आपको कोशिश करनी है कि किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, इसको मिस नहीं करना है. आप इतनी चीज़ को याद रख सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क, अगर कोई भी नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया किसी भी वजह से तो वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है. तो नेशनल पार्क्स के बारे में अगर लीगल कुछ बातें कर लें तो दिस नेशनल पार्क इज सेटअप बाई द स्टेट गवर्नमेंट.
एक चीज ध्यान रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है नेशनल पार्क्स को, नेशनल पार्क्स को सेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जो स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल रही है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू मिल रही है, और उस एक्ट में ही प्रोविजन दी गई है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट के अंडर किसी भी एरिया को नोटिफाई करके, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बोल सकती है कि आज से ये जो एरिया है आपका नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। कुछ कंडीशंस भी हैं, ये कंडीशंस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे रीजन ऑफ इकोलॉजिकल, फौनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल एसोसिएशन और इंपॉर्टेंस। सो अगर किसी एरिया में ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, बायोडायवर्सिटी के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उसको कंजर्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को नोटिफाई कर सकती है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। नेशनल पार्क को बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है नेशनल पार्क में, चाहे वो हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर हो, एग्रीकल्चर हो, हंटिंग हो, ग्रेजिंग हो, कलेक्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, ये सब चीजें जो है नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन फिक्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स। एक बार जब नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को चेंज करना, उसको ऑल्टर करना, फिर ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास आती है, जो एक सिंपल रेजोल्यूशन को पास करके, एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह एक रेजोल्यूशन पास करके नेशनल पार्क्स की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में सेटअप किया गया था, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में, बट आज उस टाइम पे नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, और आज के टाइम पे उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी नेशनल पार्क जो है वो कम इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंडिया में 105 नेशनल पार्क्स हैं टोटल, अलग अलग स्टेट्स में हैं, उनके बारे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि याद रहें, लेकिन कुछ नेशनल पार्क जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी मैंने यहाँ ब्रीफली बात की है। जैसे हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लेक लोकटक के ऊपर ये जो नेशनल पार्क है वो फ्लोट करता रहता है, बहुत रिच बायोडायवर्सिटी है इन दिस केबल लामजाओ नेशनल पार्क ऑल्सो, एंड सम नेशनल पार्क आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इन असम, केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स दो अलग अलग नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। ये जो कंचनजंगा है ये एक मिक्स नेचुरल साइट, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ये कल्चरल व्यू पॉइंट से भी, जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं कल्चरल व्यू पॉइंट से भी एक साइट है, एंड नेचुरल व्यू पॉइंट से भी दिस हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज किए गए हैं एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एंड सिमिलरली इन दिस मैप यू कैन सी कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, अलग अलग स्पीशीज के साथ एसोसिएटेड भी है, और ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में जो मैंने डिटेल में बता रखी हैं इनके ऊपर मैं एमसीक्यूज भी पूछने वाला हूँ आज शाम को। आपको इंडिया के जितने भी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क्स हो, उनके ऊपर एमसीक्यूज बनने दिखने वाले हैं आज शाम के सेशन में। फिर बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश करती हैं उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी स्टेट गवर्नमेंट्स ही एस्टैब्लिश करेंगी, और कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए होगी नेशनल पार्क की तरह ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एस्टैब्लिश करने के लिए। सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है उतना हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नहीं है। यहाँ पे ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन जैसी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो अलाउड होती हैं टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, एंड द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे एक्सीड 500 इन इंडिया। 500 से ज्यादा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी कंट्री में, और बेसिक डिफरेंस अगर आप पूछेंगे क्या है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एरिया जो है उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रही है तो वहां पे एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बायोडायवर्सिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी एरिया को आगे जाके अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाएगा तो वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो मिल रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस ये है लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का कि कितनी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा अलाउड है, नेशनल पार्क्स में बहुत कम ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होगा कि ये ऐसे एरियाज हैं जो किसी स्पीशीज की बायोडायवर्सिटी को ही कंजर्व करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, बायोस्फीयर को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है 1971 से स्टार्ट हुआ था, इस प्रोग्राम के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया कि अलग अलग कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाए और उनके प्रोटेक्शन पर काम किया जाए। एंड इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को नेशनल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, उसमें से 11 को को भी रिकॉग्नाइज करता है एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसी प्रोग्राम के अंडर एक लिस्ट आती है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो यूनेस्को डिक्लेयर करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसमें से इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे और टोटल इंडिया में 18 रिजर्व्स हैं
जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको क्या ध्यान रखना है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्पीशीज के कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज या एक से ज्यादा स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए उनको डिनोट किया जाता है, बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में हम सिर्फ एनिमल या प्लांट स्पीशीज को ही नहीं, साथ में जो ह्यूमन या ट्रेडिशनल लोग वहां पर रह रहे हैं उनको भी कंजर्व करने के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व को बना रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया, ये भी कंजर्व होगा, ठीक है। सो इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी अलाउड रहती हैं, जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनकी सारी एक्टिविटीज बायोस्फीयर में अलाउड होती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है वो थोड़ी कम है, बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो साइज है वो भी बहुत बड़ा होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जैसे मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करूं, तो इन दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स वेरियस अदर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड। तो आसपास जो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क लोकेटेड है उनको क्लब करके बायोस्फीयर रिजर्व्स बोल दिया जाता है। नेशनल पार्क्स के अंदर बिल्कुल हाई सिक्योरिटी होगी, किसी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो ट्राइब्स हैं, विलेजेस हैं, वो एग्जिस्ट करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है टाइगर रिजर्व्स। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इन दी 1973 टू कंजर्व दी एशियन टाइगर स्पीशीज इन इंडिया, और यही प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हम बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या नेशनल पार्क्स को जहां पे टाइगर पॉपुलेशंस का अच्छा खासा कंसंट्रेशन है, टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर कर देते हैं। और टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करने के बाद उस एरिया का जो सुपरविजन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर भी आ जाता है, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो। इफ दे आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व्स, दे आर ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो कोर एरियाज होंगे इन टाइगर रिजर्व्स के वो अक्सर नेशनल पार्क्स होते हैं। दे आर फ्रीड ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, इट हैज द लीगल स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग बाय ट्राइबल्स इज अलाउड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस इन द बफर एरियाज। तो इन टाइगर रिजर्व्स में कोर और बफर स्ट्रेटजी यूज की जाती है। जो सेंट्रल पार्ट होगा इस पूरे टाइगर रिजर्व का, उसको कोर एरिया बोलेंगे। कोर एरिया में किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को अलाउ नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ एनिमल्स की जो अनडिस्टर्ब्ड लाइफ है उसके लिए उसको कंजर्व किया जाएगा। जो बफर एरियाज हैं वहां पे ह्यूमंस की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, ह्यूमंस जो रह रहे हैं वो बफर एरियाज के बाहर रह रहे होते हैं। तो ये बफर एरियाज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोर एरियाज को, जहां पे एनिमल्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, उसे ह्यूमन हैबिटेशन से थोड़ा सा अलग किया जा सके। सो इन दिस मैप अगेन मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स मेंशन कर रखे हैं। आपको इन टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जरूरी क्या है, जरूरी है आपको यह पता होना कि इंडिया के किस पार्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व अगर ऑप्शंस में आपको देखने को मिला कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है या कर्नाटक में लोकेटेड है, तो इतना डिफरेंस आपको स्पॉट करना आना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, साउथ इंडिया में लोकेटेड है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जोन आउट भी कर पाएंगे, तब उस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व के बारे में आप कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी अगर पूछी जा रही है तो उसको भी बता सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की वेजिटेशन मिलती होगी, वहां पर किस तरीके की स्पीशीज मिलती होंगी। तो इन सब चीजों को आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया के किस रीजन में वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आ रही है हमारी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ये जो हेरिटेज साइट्स हैं वो बायोडायवर्सिटी एक्ट, जो इंडिया में 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट इनैक्ट किया गया था, इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज के साथ कंसल्टेशन के बाद कुछ एरियाज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर सकती हैं इफ दे मीट सर्टन कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं जो यहां पे मैंने लिस्ट कर रखी हैं? रिचनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, हाई एंडेमिज्म, एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, उसी एरिया से बिलोंग करती हुई ओरिजिनल स्पीशीज का जो नंबर है वो हाई होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डोमेस्टिक और कल्टिवेटेड स्पीशीज और देयर वेराइटीज एंड सिग्निफिकेंट कल्चरल, एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज। सो ऐसे इको सिस्टम जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी हमें मिल रही है, तो ऐसे रीजन्स को की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। हंड्रेड्स के नंबर में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इंडिया में अभी तक डिक्लेयर की जा चुकी हैं। नेक्स्ट की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, एक दूसरी टाइप का हमारा इन सीटू कंजर्वेशन का साइट है जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये आइडेंटिफाई करता है। तो द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग अ साइट एज की बायोडाइवर्सिटी एरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय IUCN, और वो क्या क्राइटेरिया है? थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी को खतरा होना चाहिए बिकॉज ऑफ सम कॉजेज,
ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड बायोडाइवर्सिटी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो कि कुछ रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है, वो फैल नहीं सकती, और अगर ये ज्योग्राफिक रीजन को नुकसान हुआ तो ये बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन है टू आइडेंटिफाई की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इररिप्लेसिबिलिटी, कि इन बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के बाद इसको रिप्लेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे रीजन्स को की बायोडाइवर्सिटी एरियाज डिक्लेयर किया जाता है। 531 साइट्स है की बायोडाइवर्सिटी एरियाज इंडिया में। इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल एनजीओ जो है IUCN, इसने इनको डिक्लेयर किया हुआ है ताकि इंटरनेशनली जो एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट के बारे में, जो लोग एकेडमिक रिसर्चेस कर रहे हैं या कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता लगे कि ये की बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, इनको प्रोटेक्ट करना है। एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इन की बायोडाइवर्सिटी एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप्स उठा सके। बट करंटली इन एरियाज को, KVAs को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज आ रहे हैं, इनको भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल प्लस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आइडेंटिफाई किया है। इन्होंने 467 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज इन इंडिया, इनको एस्टैब्लिश करने का बेसिक एम क्या है, टू आइडेंटिफाई मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल बर्ड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी। तो बर्ड्स की डायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाना है। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा इस IBAs विच होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ वन और मोर ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज, बी वन ऑफ अ सेट ऑफ साइट्स दैट टुगेदर होल्ड अ सुइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज और बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज। जो बर्ड की स्पीशीज हैं जिस रेंज में रिस्ट्रिक्टेड है, उस रेंज में आने वाले एरियाज को IBAs डिक्लेयर कर सकते हैं। माइग्रेटरी या कॉन्ग्रेगेटरी बर्ड्स जहां पे एक्सेप्शनली लार्ज नंबर्स में इकट्ठा होती हैं, उन विंटरिंग ग्राउंड्स को, उन माइग्रेटरी ग्राउंड्स को भी IBAs का दर्जा दिया जाता है बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। फिर आते हैं हमारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल लैंड पर जो एरियाज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की जा सकती हैं, उसी तरीके से मरीन एरियाज में, हमारे ओशनिक एरियाज में भी हम नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एसेंशियली अ स्पेस इन द ओशन वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड देन सराउंडिंग वाटर्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन दैट रीजन। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इस मैप में मैंने आपको सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को शो करने की कोशिश की है, आपको हमारे क्रैश कोर्स में भी वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात कर रहे हैं तो कोरिंगा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक इन एंड गुल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, चुराओ आइलैंड इन गोवा, गहिरमाथा, भितरकनिका, चिलिका लेक इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस एंड लोथियन आइलैंड्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो इंडिया में एग्जिस्ट करेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी टेरिटरी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सराउंडिंग ओशंस में लोकेटेड है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज, चाहे वो व्हेल स्पीशीज हों, डॉल्फिन स्पीशीज हों, शार्क स्पीशीज हों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास के रीजन में मिलती हैं, और इस एरिया को हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का भी स्टेटस दे रखा है। फिर बात आती है एक्स सी टू कंजर्वेशन की। तो जो हमने अभी तक एरियाज देखे हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ, जहां पे बायोडाइवर्सिटी नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है हम वहीं पे उसको बचाने की, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक्स सी टू कंजर्वेशन भी ह्यूमंस कर सकते हैं, ओरिजिनल साइट से रिप्लेस करके स्पीशीज को किसी दूसरी साइट पे लाके कंजर्व करने की कोशिश हो सकती है, जो कि बोटैनिकल गार्डन्स में या जूज में किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन्स आर मेंट फॉर फ्लोरल स्पीशीज यानी प्लांट्स के लिए। सो इट विल बी अ साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और अदर प्लांट्स। एंड जूज में हम एनिमल्स की स्पीशीज को लाके कंजर्व करते हैं, एंड इनके कंजर्वेशन में जूज में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो सकती थी, जो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, थ्रेट में हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, ऐसी स्पीशीज को जू में लाकर हम कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू यानी ह्यूमन सुपरविजन में उनकी ब्रीडिंग करवा के उन्हें दोबारा से वाइल्ड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर अवेयरनेस जनरेशन, एक तो ये काम होता है इनका, और दूसरा जब बहुत ज़्यादा थ्रेट लेवल्स हाई हो जाते हैं तब हम ह्यूमंस को आर्टिफिशियली इंटरवीन करके एक्स सी टू कंजर्वेशन करनी पड़ती है बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने ये बात कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी कुछ रीजन्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सम अदर रीजन्स, एंड जिन रीजन्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इकट्ठा होगी उनको अभी हमने देखा मेगा डाइवर्स कंट्रीज करके भी हमने उनको नोटिस दिया। लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमने उन रीजन्स को भी डिफाइन कर दिया जहां पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी मिल रही है एंड उसको खतरा भी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। सो इन 1988 नॉर्मन मायर्स हैड कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और उनकी जो डेफिनेशन थी उसको यूज करके
कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इनके पीछे क्या क्राइटेरिया है? तो एक क्राइटेरिया ये रखा गया, दे मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स, यानी कि 1500 प्लांट स्पीशीज उसी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट रीजन के एंडेमिक होनी चाहिए, उस रीजन के अलावा और कहीं ना मिलती हो। दस हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म इज रिक्वायर्ड, यानी कि पहली तो बात 1500 स्पीशीज अलग अलग होनी चाहिए, स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होनी चाहिए। उसके बाद ये जो 1500 से स्पीशीज हैं या इससे ज़्यादा स्पीशीज हैं, दे मस्ट बी एंडेमिक टू दैट रीजन और किसी दूसरे रीजन में नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस पूरी हो गई, स्पीशीज रिचनेस हाई होगी और एंडेमिज्म भी हाई होगा। इसके बाद 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुका है उसका, अगर काफ़ी ज़्यादा खतरा है कि ये सारी डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, तो थ्रेटेंड के भी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो, तो इन तीन कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या तीन कंडीशंस हो गई? ज़्यादा अच्छी स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, उसके बाद एंडेमिज्म हाई होना चाहिए और थ्रेटेंड होना चाहिए वो लोकेशन, ठीक है। ये थ्री कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तब उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा मिल जाता है बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एंड सच 35 हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडा लैंड्स एंड वेस्टर्न घाट्स। सो इस मैप में मैंने आपको 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो हॉटस्पॉट्स हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करने वाले हैं। पहले तो जो हमारा मेडिटेरेनियन का बेसिन है, देन साउथ अमेरिका में जो अटलांटिक कोस्ट है, अटलांटिक के फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं, एक तो हिमालयाज का जो पूरा रीजन है, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन विच कंपासेस एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, म्यांमार जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूर्वांचल हिल्स हैं वो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में आ रही हैं। अंडमान निकोबार वो सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आने वाले हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जिस तरीके की रिच बायोडाइवर्सिटी है वो सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। एंड वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका आर दी 4th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया में मिलने वाले हैं। अगेन वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है, बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म है, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से वहाँ पे थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी को। सो ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन एक बार आपको 35 के 35 हॉटस्पॉट्स ये पता होना चाहिए कि कौन सा हॉटस्पॉट किस लोकेशन में, किस कॉन्टिनेंट में, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड है, कि अगर कल को यूपीएससी में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें बताइए गिनियन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो अफ्रीका में लोकेटेड है। तो इस तरीके से आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया के जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कि किस तरीके की मैमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली हैं, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड भी करवा रखा है। जो शाम को हम प्रयास का सेशन लेने वाले हैं, इस सेशन में हम बेसिकली हमारी जितनी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, इंडिया में मिलने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरियाज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इन सब की बात करेंगे, इन सब के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे प्रीलिम्स के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी के प्रीलिम्स में बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को लेके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पिछले सालों में भी पूछे जाते रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम करती रहती हैं, इनिशिएटिव्स लेती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके इनिशिएटिव्स को भी ब्रीफली यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इनके रिगार्डिंग भी एमसीक्यूज को हम आज शाम को सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे साइट्स की, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। सो साइट्स कन्वेंशन, जिसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाएगा। सो वॉशिंगटन कन्वेंशन किसको बोल रहे हैं? साइट्स को बोल रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर काम करती है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर साइट्स कन्वेंशन को नेगोशिएट किया गया था इन द ईयर 1963। इट हैज़ 183 पार्टीज। 1975 में फोर्स में आ गया था साइट्स कन्वेंशन, 63 में इसको अडॉप्ट किया गया था। एम क्या है साइट्स कन्वेंशन का? कि ये इंश्योर करना
that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of these species in the wild, and it accords varying degrees of protection in more than 35,000 species of animals and plants. So basically jo hamari sites ki convention hai iska objective ye hai ki jo bhi international trade hota hai is trade ki wajah se wild animals ki and plants ki species ko koi threat nahi hona chahiye, jaise ki kuch animals ki body parts ka bhi internationally black market mein trade hota hai to ye nahi hona chahiye, aur jo bhi alag tarike ke नेशनल प्रोडक्ट्स के ट्रेड हो रहे हैं, एनिमल्स के भी अगर ट्रेड होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये किसी भी तरीके से थ्रेट नहीं करना चाहिए उन स्पीशीज के सर्वाइवल को. तो ये हमारी साइट्स की ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है. 35,000 से ज्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर ट्रीटी. सो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट इज टू बी रिस्पेक्टेड बाई ईच पार्टी विच हैज टू अडॉप्ट इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इंश्योर साइट्स इज इंप्लीमेंटेड एट द नेशनल लेवल. तो साइट्स में जो भी चीजें जो भी प्रोविजन रखे गए हैं उनको अपनी कंट्री में इन्फोर्स करना, उसके लिए हर कंट्री को अपने नेशनल लेवल पे जो उनका लेजिस्लेचर है जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वहां से कुछ लॉज बना के साइट्स की प्रोविजंस को लागू करना होता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड से जो भी प्रोटेक्शन मिलने वाली है एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को वो उन कंट्रीज के थ्रू भी प्रोवाइड हो. तो साइट्स कन्वेंशन आ रही है IUCN के अंडर. नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रैफिक और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. सो ये एक एनजीओ है वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये जॉइंट प्रोग्राम है एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड IUCN का बीच में, जिसमें IUCN ने और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने मिलकर ट्रैफिक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड को मॉनिटर करती है ये देखने के लिए कि साइट्स के जो भी प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलो हो रहे हैं. तो साइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटी है, कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है ट्रैफिक. इट वॉज फाउंडेड अगेन इन 1976, यानी जब साइट्स का जो फोर्स में आ रहा था साइट्स, उसके बाद ही ट्रैफिक नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया गया था. कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है इन द यूनाइटेड किंगडम. मिशन ये है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो द एम ऑफ साइट्स कन्वेंशन एंड द ट्रैफिक नेटवर्क ये बिल्कुल सेम एम्स हैं. साइट्स की ही इन्फोर्समेंट को मॉनिटर करने का काम ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन या ट्रैफिक नेटवर्क कर रहा है. इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स एंड एनालाइजेस वाइल्ड लाइफ ट्रेड पैटर्न्स ट्रेंड्स इंपैक्ट्स एंड ड्राइवर्स टू प्रोवाइड द लीडिंग नॉलेज बेस ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, और ये देखने के लिए कि किस एनिमल या प्लांट स्पीशीज का ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, उससे कोई हार्म तो नहीं होने वाला उस स्पीशीज को, ये भी ट्रैफिक के नेटवर्क के थ्रू काम होता है. फिर ये एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है दैट इज नेम्ड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज और बॉर्न कन्वेंशन. ठीक है, पूरा नाम क्या है इस कन्वेंशन का? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी वाइल्ड एनिमल्स के माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बॉर्न कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया गया था. और बॉर्न कन्वेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रही है बिकॉज 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन गांधीनगर इंडिया इन 2020 में. गांधीनगर गुजरात में 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज का. तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रही है कन्वेंशन, और आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर ब्रीफली इसको फटाफट रिवाइज करना है तो 1979 बॉन जर्मनी में इसको साइन किया गया था. 83 में फोर्स में आ गई थी ये कन्वेंशन. इट इज द ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज. तो जो भी टेरेस्ट्रियल एवियन या एक्वेटिक माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनकी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एकमात्र ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है ये. ठीक है, तो कन्वेंशन एंड माइग्रेटरी स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट है. हर 3 साल में इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है. तो जो 2020 का COP 13 है, इससे पहले COP 12 हुआ था 2017 में. इसके बाद यहाँ पे गांधीनगर इंडिया में हमारा COP हो रहा है. 17 का जो COP हुआ था वो हुआ था मनीला फिलीपींस. ठीक है, मनीला में हुआ था, फिलीपींस की कैपिटल है. यहाँ पे 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज का. इस बार जो इंडिया में COP हुआ है इसमें भी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट्स, बंगाल फ्लोरिकन,
इनको भी माइग्रेटरी स्पीशीज का दर्जा देने की बात की गई है इन दी COP 13, तो इनको भी स्केड्यूल्स में इंक्लूड किया जाएगा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के, ताकि इन सभी एनिमल स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए इन ऑल दोज कंट्रीज जहां पे ये स्पीशीज ओरिजिनली मिलती हैं या माइग्रेट करके जाती हैं। तो इस कन्वेंशन को भी आपको बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंटली याद करना है। और नेक्स्ट आएगा IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनजीओ है। क्या काम कर रहा है? इन्वॉल्व इन डेटा डेटा गैदरिंग एनालिसिस रिसर्च फील्ड प्रोजेक्ट्स एडवोकेसी लॉबिंग एंड एजुकेशन। तो बेसिकली एनजीओ है अवेयरनेस जनरेशन का काम करना, लॉबिंग करना पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स के पास जाके एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लॉबिंग करना, उनको कन्विंस करना, उनको ये बोलना कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करिए, एंड रिसर्च प्रोवाइड करना कि कितना थ्रेट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को, किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को, ये सारी चीज़ें IUCN का नेटवर्क करने वाला है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है वो है IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है जिसमें वर्ल्ड की सारी एनिमल प्लांट स्पीशीज जो रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितनी किस तरीके का थ्रेट उन स्पीशीज को है, क्या उनको कोई थ्रेट है, क्या वो लीस्ट थ्रेटेड है या नियर थ्रेटेड है, या फिर वो बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स में हम IUCN रेड लिस्ट में एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर इस रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सटिंक्ट एक कैटेगरी होगी दोज एनिमल्स या दोज एनिमल स्पीशीज की जिनकी कोई भी इंडिविजुअल आपको वाइल्ड में देखने को अगर नहीं मिल रहा है, एंड इन ब्रीडिंग यानी ह्यूमंस के पास भी अगर नहीं है। सो थ्रू आउट हिस्टोरिक रेंज है फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल, तो ऐसी स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलेंगे। वाइल्ड में भी और कैप्टिव ब्रीडिंग में भी, कैप्टिव सिचुएशन में भी अगर कोई इंडिविजुअल किसी एनिमल स्पीशीज का सर्वाइव नहीं कर रहा है तो वो एक्सटिंक्ट में आ गया। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड में वो एनिमल्स नहीं आएंगे जो कि सर्वाइव करते हैं कैप्टिविटी में। सो देर आर सर्टन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो कि सिर्फ जूज के अंदर या फिर जूलॉजिकल गार्डन्स के अंदर सर्वाइव करेंगे और वाइल्ड में वो हमें देखने को नहीं मिलते, नेचुरली अकरिंग एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड का स्टेटस मिलेगा। सिमिलरली कम्स द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, इनके लिए कुछ कंडीशन सेट की गई हैं जैसे रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 90% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू बी फ्यूअर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स एंड एस्टिमेटेड डिक्लाइन ऑफ एटलीस्ट 25% विद इन 3 ईयर्स और वन जनरेशन और लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स। तो बहुत ही डिटेल्ड क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्राइटेरिया बहुत डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो स्टेटस हैं ये अलग अलग लेवल्स हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इन सारे क्राइटेरिया को याद करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी नोट्स में प्रोवाइडेड हैं आपको, जो क्रैश कोर्स में आपको नोट्स दिए गए हैं, बट इन माई ओपिनियन आपको इन क्राइटेरिया को याद करने की मुंहज़बानी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इन दिस ग्राफ यू कैन सी कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है स्पीशीज़ को इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थ्रेट लेवल, जहां से नॉट इवेलुएटेड वो स्पीशीज़ आएंगी जिनके रिगार्डिंग डेटा अभी बहुत कम है, उनको इवेलुएट नहीं किया गया, फिर डेटा डेफिशिएंट, एंड देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होंगी फाइनली जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इनसे कम थ्रेटेड है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट थ्रेटेंड। सो ये जितनी भी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं जिनका एडिक्वेट डेटा उपलब्ध है IUCN के पास, उनको लीस्ट कंसर्न से लेके एक्सटिंक्ट तक की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता चलेगी कि इंडिया के अंदर कौन सी स्पीशीज हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं। तो ऐसी स्पीशीज के ऊपर प्रिलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। अगर इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ स्पीशीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, ये सारी स्पीशीज नहीं है, मेनी ऑफ दी एनिमल स्पीशीज, एक्वेटिक स्पीशीज, एवियन स्पीशीज यानी बर्ड स्पीशीज, उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस मिला हुआ है इन इंडिया। तो जैसे हिमालयन ब्राउन बियर है, नमदाफा, फ्लाइंग स्क्वेरल, मालाबार सिवेट, कश्मीरी स्टैग, घड़ियाल, गैंजिस शार्क, बंगाल फ्लोरिकन, साइबेरियन क्रेन, दीज आर दी सम ऑफ दी एनिमल स्पीशीज विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया। आपके नोट्स में ये डिटेल लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आपको बेसिकली क्या करना है, इन सभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को याद करना है, इनकी लोकेशंस कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, और इसका कोई वे आउट नहीं है, बिकॉज हर साल आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलता है जो इंडिया में पाई जाने वाली थ्रेटेंड, वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इन स्पीशीज के बारे में आपको याद रखना होगा, ये स्पीशीज मिलती कहाँ है वो भी आपको याद रखना होगा। जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज है पिग्मी हॉग, आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम के फुटहिल्स में देखने को मिलेगा, टाइगर आपको इंडिया के बहुत ज़्यादा रीजन्स में देखने को मिलता है, एशियाटिक लॉयन सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, रेड पांडा इन नॉर्थ ईस्ट, ढोले और एशियाटिक वाइल्ड डॉग आपको सेंट्रल इंडिया के ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है,
थामिन और एल्स डियर इज सीन इन दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मणिपुर. गोल्डन लंगूर आपको भी आसाम में देखने को मिलेगा. लॉयन टेल्ड मैकॉक इन वेस्टर्न घाट्स. नीलगिरी तार इन दी नीलगिरी हिल्स रीजन. एंड साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन इन दी रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम. तो ये जो हमारी एनिमल स्पीशीज है ये आपके एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मैं अगेन बता रहा हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड थ्रेटन्ड, इन स्पीशीज की लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है क्रैश कोर्स में. अगर आपने क्रैश कोर्स हमारा नहीं ले रखा है और आप किन्हीं और सोर्सेज को कंसल्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन आप सर्च करना चाहते हैं, इन स्पीशीज के बारे में जरूर सर्च करिए. अपने कॉम्प्रिहेंसिव या क्रिस्प नोट्स बनाइए रिगार्डिंग दी स्पीशीज. आपको क्या नोट करना है इन स्पीशीज के बारे में, इनका नेम, इसके बाद इनकी लोकेशन, किस जगह ये पाई जाएंगी, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है. कंजर्वेशन स्टेटस मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, थ्रेटन्ड है. इंडिया में इनको किस तरीके की प्रोटेक्शन दी गई है, क्या कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे ये स्पीशीज मिलती हैं, या फिर इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में रखा गया है, शेड्यूल वन में और शेड्यूल टू में रखा गया है, ये भी हमें देखना है. और ये भी देखना है कि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर इनके साथ एसोसिएटेड है, जैसे अगर टाइगर्स की बात करें तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जो एसोसिएटेड होंगे. लॉयंस के साथ गिर की, गिर का नेशनल पार्क एसोसिएटेड है. नीलगिरी तार की अगर हम बात कर रहे हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, अगस्त्यमलाई नेशनल पार्क हो गया, ये एसोसिएटेड है विद द नीलगिरी तार. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी और इसको रिवाइज भी करते रहना होगा बार बार. इस सेशन में अगर हम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने नोट्स को दोबारा से कंसल्ट करिए या फिर अपने हैंडमेड नोट्स दोबारा बनाइए, खुद नोट्स बनाइए इन स्पीशीज़ के ऊपर, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को, पॉइंटर्स को नोट कर लीजिए. अब यहाँ पर वल्नरेबल स्पीशीज़ भी आपके सामने हैं, जैसे नीलगिरी लंगूर, वन हॉर्न राइनो, ग्रेट इंडियन बाइसन और गौर, मिशमी टाकिंस, नीलगिरी मार्टेन, क्लाउडेड लेपर्ड, ड्यूगोंग, ऑलिव रिडली सी टर्टल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये हमारी वल्नरेबल स्पीशीज हो गई. तो फ्रेंड्स, उसके बाद नियर थ्रेटन स्पीशीज आ रही हैं, इंडियन वाइल्ड एस, चीरू, मार्बल्ड कैट, हिमालयन तार, मारखोर. ये जो एनिमल्स की मैं स्पीशीज यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ ये मैंने कहाँ से लेके आए हैं, ये सारे एनिमल्स प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं. कभी इनका रेंज पूछा जाता है कि किस रीजन में मिल रहे हैं, कभी पूछा जाता है इनको मैच करने के लिए बोला जाता है कि किस स्टेट में पाए जाएंगे, कभी ये पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में ये इंक्लूडेड हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंपॉर्टेंट इंडियन स्पीशीज के बारे में याद रखनी होगी. वर्ल्ड लेवल पर जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन स्पीशीज में, इंडियन लेवल पे जो ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं अलग अलग रीजन्स में, हमारे हिमालयन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में या डेजर्ट रीजन में मिलती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनके रिगार्डिंग आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे दोस्तों. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये स्थापना का सेशन यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, किस तरीके से कंजर्वेशन होगा इन सीटू एंड एक्स सीटू बोथ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो रेस्पॉन्सिबल हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इनके बारे में बात की है. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस किया है, हमने ब्रीफली देखा है, वो है नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स इन इंडिया, जो आज शाम को हमारा प्रयास का सेशन होने वाला है. इस सेशन में बेसिकली हम उन्हीं एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे, उन्हीं एमसीक्यूज को आपसे पूछेंगे जो आपसे इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को टेस्ट करेगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्या कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के उसको टेस्ट करेगा, और जो इंपॉर्टेंट इंडियन स्पीशीज हैं, क्रिटिकली डेंजर्ड, इंडेंजर्ड हो, थ्रेटन्ड हो, वल्नरेबल हो, ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज के रिगार्डिंग भी आपको आज शाम को एमसीक्यूज मिलेंगे. और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपको बेसिकली ये पता लगेगा कि जो एनवायरनमेंट के अप्लाइड टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए एमसीक्यूज हैं, उनके रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. तो फटाफट अपनी रिविजन्स को स्टार्ट करिए, शाम को 8 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड थैंक यू.